हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सबके सब एकदम स्वस्थ और मस्त हो। बहुत टाइम हो गया, मोर देन अ वीक हो गया है कि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है, कोई वीडियो नहीं डाला है अपने चैनल पे। मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ अपने इस चैनल पे। कुछ लोगों ने कमेंट्स करके मुझे पूछा, कुछ लोग मुझे DM करके पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, सही तो हो, व्लॉग नहीं आ रहा है करके। बोला भाई मैं सही सलामत हूँ। द रीज़न बिहाइंड दिस एक्चुअली क्या है, शॉप में वर्कलोड एकदम ज़्यादा अचानक से बढ़ गया है। अभी एक्चुअली बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है। हर साल अप्रैल मई जून उस टाइम पे हमारा कामकाज हर साल बहुत ज्यादा रहता है। इस साल जब हम काम करते हैं तब लग गया था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में सबके कामकाज पूरी तरह से अटक चुके थे। अब जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से हट चुका है, तो क्या है सबके जो अटके हुए काम थे वो भी आगे बढ़ने लगे हैं। तो सबको डोर्स की वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है, तो भाई रोज ना रोज कोई साइजेस लेने जाओ, तो इसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। और आज इस व्लॉग में भी अपने काम से ही मैं निकला हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ से 32-35 किलोमीटर दूर हमारे डोर्स डिलीवर हुए हैं। कस्टमर जो है वो कल डोर लेके गए, आज उनका इंस्टॉलेशन करना है, तो मैं अभी कारपेंटर का वेट कर रहा हूँ। कारपेंटर थोड़ी देर में आएगा, उसको लेके जाएंगे और वहाँ जाके उन डोर्स का इंस्टॉलेशन का काम काज करेंगे आज। ये बेडरूम और ये किचन के बाहर का हिस्सा। टाइम हो रहा है अभी 11:15। सब कुछ समझा दिया मिस्त्री को, तीन दरवाजा है, तीन दरवाजे फिटिंग करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 घंटे लगेंगे, उतना टाइम है मेरे पास। ये जो छोटा सा गांव है, इस गांव का नाम वावोशी है, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मिस्त्री को छोड़ के मैंने यहाँ पे जस्ट गूगल मैप ओपन किया और देखा कि भाई 3 घंटे मेरे को स्पेंड करने हैं, तो कोई अच्छी चीज है कि नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। गूगल मैप्स में मुझे एक अच्छी जगह मिली है, एक छोटा सा वाटरफॉल है यहाँ पे, वहाँ पे जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं भाई। चलो गूगल माता के हिसाब से मुझे लेफ्ट जाना था, ये जगह पे लेफ्ट तो आ गया हूँ, पर यहाँ पे लेफ्ट कोई रास्ता नहीं है। ये जो गेट है, यहाँ पे जो CNG पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है, ये CNG पेट्रोल पंप, यहाँ पे CNG पेट्रोल पंप तो है, ये रहा, मतलब पोपट हो गया। और वहाँ पे जो वाटरफॉल का पॉइंट है, वहाँ पे दूसरा रूट जा रहा है 32 किलोमीटर दूर से, मतलब कुछ तो झोल है। चलो देखते हैं, कोई और जगह ढूंढते हैं। तो चलो, थोड़ा ढूंढने के बाद एक छोटा सा डैम मिला है, तो उस डैम पे चलते हैं। आप तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये छोटा सा डैम मिल गया है। छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर ली है और चलते हैं, ये डैम कैसा है देखते हैं। बारिश अभी कम होने के कारण यहाँ से ओवरफ्लो अभी होना बंद हो गया है। We'll be right back.
क्या खूबसूरत डैम है और क्या मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ डैम के दूसरे किनारे में, चलो वहाँ पे कैसे नज़ारे हैं एक्सप्लोर करते हैं। मस्त एकदम ऑफ रोडिंग चल रहा है, ये रहा बाजू में डैम। पहुंच गया मैं डैम के पिछले हिस्से में और भाई देखो तो सही क्या नज़ारा है यहाँ पे। सीरियसली इस हिस्से में मैं आया तो काम के सिलसिले में था, बट आई फाउंड हिडन जेम इन दिस प्लेस। वाओ पानी बहुत ही मस्त ठंडा है एकदम। डैम के पिछले वाले हिस्से में आके एकदम मस्त पे की बैठ चुका हूँ। टाइम लैप्स लगाने के लिए गोप्रो सेट कर दिया है, ये नज़ारे का टाइम लैप्स लिया जा रहा है। भाई सुकून सुकून मिला यार, दूर दूर से पंछियों की किलकिलाहट सुनाई दे रही है, सुनो आप। सब ठीक अच्छा लगा ना उनको? ये प्रोटेक्शन फिल्म रहती है, काम हो जाने के बाद वो निकाल देते। इसको होल मारना पड़ेगा तुमको अभी, और नहीं मारा तो गाइस आ गया हूँ मैं अपने शॉप में, बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। अब यहाँ के पेंडिंग काम्स करेंगे पूरे और फिर घर जाएंगे।
और ये हालत एक्चुअली रोज़ की हो गई है। आज एक्चुअली सिटी के बाहर नेचर के थोड़े से करीब गया था, इसलिए ये मैंने व्लॉग शूट किया, अदरवाइज़ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, यही एक रीज़न है मेरा व्लॉग डिले होने का। बट मैं अब सोच रहा हूँ कि मेरा जो रॉ व्लॉगिंग का जो सीरीज़ है वो वापस एक बार और ला दिया जाए। मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, बट वीकली हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो रॉ सीरीज़ है हमारे साथ डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएँ घटती हैं उनका एक समरी करके आपके साथ में व्लॉग शेयर करूंगा। तो आपको जिस प्रकार के व्लॉग्स पसंद है वो प्रकार के व्लॉग्स में लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।